हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देसी बॉय फार्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि भाई हमारे जो पशु हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, और यही बात है, ये बात हकीकत है कि भाई फरवरी के बाद से, जब से फरवरी गया है, जब से मार्च का महीना लगा है, पूरा एक महीना हो चुका, हमारा एक भी पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। ना ही कोई गाय प्रेग्नेंट हुई है और ना ही कोई भैंस प्रेग्नेंट हुई है। आखिर इसकी क्या वजह है? और असल में मैं बताऊं तो मुझे नहीं मालूम आखिर इसकी क्या वजह है कि किस वजह से ये पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। और रही बात डॉक्टर की कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर को दिखवाओ, तो डॉक्टर को दिखवाया था, उसने कुछ दवाई लिख के दी थी, दवाई भी दी हमने और डिवॉर्मिंग की गोलियां भी दी, जो कीड़ों की गोलियां होती हैं, लेकिन भाई उसके बाद भी कोई पशु हीट पर नहीं आया। और अगर आप किसी भाई को पता हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें बताएं, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि भाई आखिर क्या वजह है जिससे कि हमारे पशु प्रेग्नेंट नहीं हो रहे। लगभग जो आप ये पशु देख रहे हैं, लगभग 25 पशु हैं, तो 25 पशुओं में जो फरवरी का महीना था, जनवरी से फरवरी के महीने में, 2 महीने के बीच में लगभग 10 से 12 पशु, 11-12 पशु तो प्रेग्नेंट हो गए थे 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। लेकिन जब से फरवरी का महीना ख़त्म हुआ है, जब से मार्च लगा है, तब से एक महीना हो चुका लगभग, और एक भी पशु प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। और यही भाई सच है, एक भी पशु हमारा प्रेग्नेंट नहीं हुआ है। अगर किसी भाई को कुछ पता हो, मालूम हो, तो भाई प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में हमको बताएं कि भाई ये वजह है आपकी, हम उसको हल करेंगे जिससे कि हमारी भैंसें प्रेग्नेंट हो, गायें प्रेग्नेंट हो। देखिए, प्रेग्नेंट अगर पशु प्रेग्नेंट नहीं होंगे तो डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट भी बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? डेयरी फार्मिंग में प्रॉफिट के लिए आपको प्रेग्नेंट जरूरी है, प्रेगनेंसी जरूरी है, पशुओं की प्रेगनेंसी जरूरी है। पशु प्रेग्नेंट होंगे तो इससे आपको बहुत सारा पैसा बचेगा। कैसे बचेगा भाई? आज की डेट में आप खुद देख लीजिए कितने महंगे मिलते हैं पशु। अगर एक सही सी भैंस आप खरीदने जाओगे, 1 से 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से ऊपर ही मिलेगी। और अगर आप उसे खरीद के लाओगे और आप उसको बेचोगे, फिर अगर वो ड्राई हो गई आपने और प्रेग्नेंट ना हो पाई वो, तो वो कितने की बिकेगी? 50,000 की, 45,000 रुपये की। तो उसमें कितना लॉस होगा? 1 लाख रुपये का, 1-1.25 लाख रुपये का लॉस होगा एक पशु में। तो इतना तो उसमें प्रॉफिट भी नहीं हुआ, इतना तो उससे कमाया भी नहीं आपने। तो यही वजह है, अगर आप पशु को प्रेग्नेंट नहीं कराते या आपसे पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा डेयरी फार्मिंग में। तो भाई इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि अगर किसी को मालूम हो कि आखिर क्या वजह है, क्या परेशानी है, तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट में बताएं, हम कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट देखेंगे और वो परेशानी दूर करने की फुल कोशिश करेंगे। भैया प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले बुल नहीं था, चलो समझ में आता था, लेकिन अब तो बुल भी आ गया। बुल भी ये नहीं है कि ऐसा हो, सही शुद्ध बुल है, अच्छा बुल है, कोई ऐसी बात नहीं है। 80,000 रुपये का बुल लाए थे और आज की डेट में तो वो 1 लाख रुपये का बिक रहा है, लेकिन तब भी हमने नहीं बेचा। बोले नहीं, बुल तो अब हमेशा ही रहेगा। तो बाकी भाई बताएं, अगर किसी को मालूम हो कि क्या ये क्या परेशानी है, हम हल करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू भैया, थैंक यू।